व्यवस्था की है? तो गुंजन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। बहुत अच्छी व्यवस्था, सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छे निर्देश दिए गए हैं, और हमारे कुरुक्षेत्र के डीसी साहब जी ने भी बड़ा अच्छा निर्देश दिया है कि भाई एक तो गैर मास्क के कोई भी अंदर एंट्री नहीं करेगा, 10 साल के नीचे के कोई बच्चे अंदर नहीं आएंगे मंदिरों में, और थोड़ा दूरी बना कर रखेंगे। तो वही भक्तों में भी उल्लास है, बड़े दूर दराज से लोग आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर प्रार्थना करके भगवान से कि हे भगवान देवाधिदेव महादेव, इस महामारी से जल्दी निजात दिलाइए और विश्व का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहें और जल्दी इस विश्व का कल्याण हो। सभी लोग बड़े उल्लास के साथ भगवान को मनाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी व्यवस्था भी की गई है सरकार की तरफ से, और सभी लोग उसका पालन भी कर रहे हैं बड़े खुशी के साथ। तो गंगा जल की जो लोग अब की बार कांवड़ का जल नहीं ला पाए, कुछ व्यवस्था की है? हाँ, गंगा जल हमारे डाक द्वारा मंगा कर, वो डाक के द्वारा आई हुई गंगा जल की शीशियाँ हैं, वो भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है। सभी को एक एक शीशी जल दिया जा रहा है, उससे चढ़ाएं, और कोई भी हरिद्वार और गंगोत्री नहीं गया है, ना कोई कांवड़ आई हुई है, सिर्फ अपने घर से गंगा जल लेकर और कुछ लोग यहाँ से लेकर उसको चढ़ा रहे हैं। तो कोई जैसे कोरोना महामारी फैली उसके लिए कोई अलग से मंत्र या कुछ जाप करा जा रहा है? हाँ, उसके लिए भी हमने अलग से हमारे मंडल के शिवशक्ति मंडल के द्वारा कल रात्रि में अभिषेक किया गया, भगवान से प्रार्थना की गई कि भगवान भोलेनाथ जी आप ही एक ऐसे देवता हैं जो ब्रह्मा के लेख को भी मेट सकते हैं, और इस बीमारी से जल्दी निजात दिलाइए, क्योंकि आप कालों के काल महाकाल हैं, आपके ही हाथ में सब कुछ है, और जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात दिलाइए। अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि श्रावण मास संपूर्ण होते ही